चलिए दोस्तों, आज के जीवन की कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी। तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे मुंह से ठीक तरह से आवाज भी नहीं निकाल पाते, उस उम्र में एक मादाबाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। मादाबाज अपने बच्चे को 12 किलोमीटर तक ऊपर लेकर उड़ जाती है, जितनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ा करते हैं। यहाँ से शुरू होते उस नन्हे बच्चे की कठिन परीक्षा। पक्षियों की दुनिया में इतनी कठिन ट्रेनिंग किसी दूसरे पक्षी की नहीं होती। 12 किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद काफी ऊंचाई में पहुंचकर मादाबाज अपने बच्चे को नीचे छोड़ देती है, और लगभग 2 किलोमीटर तक नीचे गिरते समय उस बच्चे को ये तक नहीं पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वह 7 किलोमीटर तक नीचे आ जाता है तो उसके जकड़े हुए पंख खुलने लगते हैं। 2 किलोमीटर आने पर बच्चे के पंख खुल जाते हैं और वह पहली बार पंख फड़फड़ाता है, लेकिन अभी पंख मजबूत न होने की वजह से वह उड़ नहीं पाता है और वह धरती के करीब आने लगता है। अब वह जमीन पर लगभग गिरने ही वाला होता है, तभी उसकी माँ उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग हर दिन चलती है जब तक कि बाज का बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है, तब जाकर दुनिया को एक ऐसा बाज मिल पाता है, और फिर बड़े होने पर उसमें इतनी ताकत हो जाती है कि वह अपने से 10 गुना वजनी प्राणी का शिकार कर लेता है। बाज कभी छत की मुंडेर पर नहीं उड़ते, वे हमेशा आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हैं। दोस्तों, अगर आज जीवन में कठिनाई है, खराब परिस्थिति है, किसी की डेथ हो गई है, कोई छोड़कर चला गया है, या फिर किसी काम में फेल हो गए हो, तो उदास मत होइए। बस इतना समझ लेना कि भगवान भी आपको हालातों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, और याद रखना कि जिस दिन ये ट्रेनिंग पूरी हो गई उस दिन आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा पाएगी। आप अपने फील्ड में कामयाबी के वो झंडे गाड़ देंगे जो आज तक किसी ने नहीं गाड़े होंगे। और याद रखना, भगवान भले ही आपको कैसी भी कठिन परिस्थिति में ट्रेनिंग दे, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी सीख इस कहानी से ये मिलती है कि अपने काम में तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप अपने फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते। जितना हो सके अपने काम को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आपको सबसे बेहतर बनकर दिखाना है, और अभी से शुरुआत कर दीजिए। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।